बारिश नहीं हुई तो कैसे लगेगा प्रभु श्री राम को भोग। इंद्रदेव है नाराज, कैसे पूरी होगी किसानों की आस। धान का कटोरा क्या रह जाएगा खाली। तो प्रभु श्री राम को भोग कैसे लगेगा, तो कैसे प्रभु श्री राम की पूजा होगी। इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कैमूर जिले के किसान। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कैमूर के मोकारी गांव के किसान बारिश ना होने से परेशान हैं। इसके पीछे सिर्फ अनाज ना होने की चिंता नहीं है, बल्कि ये भी चिंता है कि अयोध्या में भगवान राम को भोग कैसे लगेगा। बारिश ना होने से कैमूर जिले में केवल 3% खेतों में रोपनी हुई है। नहरों में पानी ना आने से धान की खेती के लिए डाला बिछड़ा भी सूखने लगा है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस जिले के किसानों की थाली में चावल कैसे आएगी, यह आज सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मोकरी गाँव चाहे कैमूर जिला जो है, कैमूर जिला में भभुआ के अगल बगल धान, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ सोन नहर भी लगता है, लेकिन इस समय नहर में पानी भी नहीं है और पानी आ भी नहीं रहा है, भगवान से बारिश भी नहीं हो रहा है। और जो है माने बीजा बिया देख ही रहे हैं, बिया एकदम लाल हो रहा है, सूख रहा है। इन साल तो माने अपने को खाने के लिए चावल नहीं होगा, हम लोग जो दूसरे को चावल कैसे देंगे। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि अयोध्या में भगवान श्री राम को भोग लगाने के लिए यहीं से चावल जाता है। मोकारी गांव से हर साल 18 टन गोविंद भोग चावल भेजा जाता है, लेकिन इस साल आषाढ़ माह खत्म होने को है पर बारिश नहीं हुई। ऐसे में जिले के किसानों की चिंता बढ़ गई है। गांव के किसान परेशान हैं, अभी तक रोपनी नहीं हुई है। ऐसे में लोगों की परेशानी इसलिए भी बढ़ी हुई है कि अगर अच्छा उत्पादन नहीं हुआ तो वो अयोध्या क्या भेजेंगे। आप जहां सर खड़े हैं, इसी क्षेत्र से वह चावल पैदा होता है जिसे ज़मीन पर आप अभी यहां खड़े हैं। यहां अभी बिया की स्थिति आप देख रहे हैं कि बिया सूख रहा है, लाल हो रहा है, लेयर इतना नीचे चला गया है कि पानी मशीन से भी हम लोग नहीं पटा पा रहे हैं, पानी पीने के लिए परेशानी है। और अगले साल जो है राम जी को भोग लगाने के लिए लगभग इसी मोकरी गाँव से लगभग अठारह टन चावल गया था, लेकिन इस बार की स्थिति ऐसी है कि अब तक रोपनी हो गई थी अगले साल, या जो है लगभग 10 जुलाई तक रोपनी हो गया था, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि 1% भी रोपनी मोकरी गांव में नहीं हुआ है। और इस ज़मीन पर देख रहे हैं जहां चावल जहां अपने से पानी बहता है आज के इस मौसम में, आज यहां धूल उड़ रहा है इस खेत में, ऐसी स्थिति हो गई है तो कहां से चावल पैदा होगा। भारी परेशानी, बहुत भारी परेशानी है। इंद्रदेव की नाराजगी जिले के किसानों की परेशानी बन गई है। ऐसे में उम्मीद है कि किसानों की परेशानी दूर करने वाली बारिश की बूंद पड़ेगी और किसान खुशहाल हो सकेंगे। अजीत कुमार, कैमूर।